हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। तो ये है प्लाईवुड की पतली शीट और इस पे दो छेद है और थोड़ा नीचे ख़राब है, तो इसको हम ठीक करेंगे और कुछ ब्यूटीफुल सा क्रिएट करेंगे। तो आप एक तो सैंड पेपर से इसके जो एजेस है वो ठीक कर सकते हैं, और बाद में मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ करके जो भी जहाँ पे भी फटा हुआ है उसको ठीक करूँगी, उसको एक प्लेन सरफेस बनाने की कोशिश करूँगी। तो इससे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस पर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर पेंट कर दिया है, एक बेस कलर। यहाँ पे हम गोंड आर्ट पेंटिंग करने वाले हैं। तो बेसिकली गोंड आर्ट एक ट्राइबल आर्ट है, एक फोक आर्ट है, और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ उत्तर प्रदेश के भागों में, उड़ीसा के भागों में गोंड आर्ट देखने मिलती है। तो इस चित्र को बनाते समय वहाँ पे डॉट्स, लाइंस, कर्व्स ये यूज़ करके एक खूबसूरत चित्र बनाया जाता है, एक ब्यूटीफुल आर्ट क्रिएट किया जाता है। और हाल ही में ये बहुत प्रचलित है, हम होम डेकोर के इसमें इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और ये बनाना भी काफ़ी आसान है। एक बार आपको इसकी टेक्निक आ गई तो ये बहुत इजीली बन भी जाता है। यहाँ पे मैंने प्लाईवुड यूज़ किया, आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, थिक कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सारे ही कलर्स मैंने यहाँ पे एक्रेलिक यूज़ किए हैं, और ब्रश मैंने 0 नंबर से लेके 00, 000 और 1 और 2 इस तरह से ब्रशेस का यूज़ किया है, क्योंकि जो बारीक कर्व्स, डॉट्स और लाइंस होते हैं उसके लिए 000 काफ़ी अच्छा यूज़ किया जा सकता है। जो बारीक कारागिरी इस पर की जाती है उससे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बस इसको बहुत पेशेंसली आपको करना होता है, और रेगुलर पैटर्न्स जो भी होते हैं कर्व्स के, वो एक पैटर्न में, सिमेट्री में अगर हम करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगेगा। कलर कॉम्बिनेशंस आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत खूबसूरत लाइट टू डार्क शेड के जो कॉम्बिनेशंस होते हो बहुत अच्छे लगते हैं। बेसिकली हमारे इंडियन आर्ट, जो भी फोक आर्ट है, ट्राइबल आर्ट है, वो बहुत खूबसूरत है और उसकी अपनी एक जान, अपनी एक शान है। तो हमारे घर में हमने ऐसे इंडियन आर्ट्स को अच्छे से अगर हम रखते हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन भी इसे देखकर बड़ी होगी और उन्हें भी इसका नॉलेज आएगा। भारत में बढ़ते वेस्टर्न कल्चर को देखते अगर हम इंडियन आर्ट्स को अपने घर में जगह देते हैं तो हमारे बच्चे खुश नसीब होंगे, ये देख कर बड़े होंगे कि भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है और हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। देखते ही देखते हमारा ये आर्ट कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे मैं जो ब्राउन के दो शेड्स करी हूँ उससे और भी ये 3D लुक आने के लिए हेल्प होगा। और यहाँ पर मैं शार्पी का मार्कर यूज़ करी हूँ, इसे काम फटाफट भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आर्ट कंप्लीट हो गया है। आप इसे चाहे ट्रे की तरह यूज़ करें, आप इसे चाहे एज अ वॉल डेकोर यूज़ करें, आप इसे चाहे तो किसी और फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी डेकोर क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है। आई होप कि आपको ये आज की आर्ट बहुत पसंद आई है, अगर हाँ तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वेस्ट से बेस्ट हम आर्ट यहाँ पे आपको दिखा सके, बता सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मिलते हैं न्यू वीडियोज़, न्यू DIY आइडियाज़ के साथ। बाय, टेक केयर।